सो दोस्तों रियल में जो है काफ़ी कुछ करने की यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। उनकी जो X7 सीरीज है वो अभी तक दोस्त लॉन्च नहीं हुई। एक छोटी सी अपडेट है रियल मी की X7 सीरीज के बारे में कि वो जो है 4 फरवरी को लॉन्च होने वाली है और गैजेटर्स ने एक्सक्लूसिव लीक करके बताया है। साथ ही में जो रियल मी की जो V15 सीरीज होगी वही रियल मी की X7 सीरीज यहाँ पर होने वाली है। माधव शेठ जी की तरफ से दोस्तों जो है कन्फर्मेशन आ चुकी है। वैसे इस बारे में हम कभी और बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। बट जो है उसके नए नए स्मार्टफोन्स की जो लीक से वो आना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। उनमें से जो एक स्मार्टफोन की जो सीरीज दोस्तों अभी अभी निकल कर आई है जो कि होने वाली है रियलमी की X9 सीरीज। इसके अंदर आपको 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिल सकते हैं जो कि होने वाले हैं रियलमी X9 और X9 प्रो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी के X9 प्रो सीरीज़ के बारे में, यानी कि X9 प्रो ये जो स्मार्टफोन होगा दोस्तों उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्या दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो लोग जो है इंतज़ार कर सकते हैं क्योंकि ये जो है एक फ्लैगशिप कैटेगरी का आपको स्मार्टफोन देखने को मिलेगा और जो स्मार्टफोन है काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र्स है उनको दोस्तों पसंद आ सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि रियलमी X9 प्रो स्मार्टफोन के बारे में, उसकी लॉन्च डेट, साथ ही में उसके जो है कुछ स्पेसिफिकेशंस भी दोस्तों निकल कर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। सो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें ना रियलमी X9 प्रो स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.4 इंच का फुल HD+ OLED डिस्प्ले। इसके अंदर जो है आपको 140 GHz का जो है रिफ्रेश रेट वो देखने को मिलेगा। और सबसे इसकी जो खास बात होने वाली है इस स्मार्टफोन की वो होने वाला है इसका प्रोसेसर, जो कि इसका दोस्तों हाईलाइटिंग पॉइंट होने वाला है, जो कि ये MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 1200 प्रोसेसर जो कि अभी अभी उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है। ये जो है MediaTek की तरफ से आने वाला सबसे पावरफुल प्रोसेसर बन जाता है। और दोस्तों जैसे ही इस प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया गया, ओप्पो, वीवो, Xiaomi और रियलमी ये सब दोस्तों लड़ पड़े कि सबसे पहले जो है हमारे स्मार्टफोन के अंदर आपको ये जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा, यानी कि स्नैपड्रैगन की 888 के बाद में Dimensity के 1200 वाले प्रोसेसर के पीछे जो सारी कंपनीज है वो दोस्तों रेस लगाकर बैठ चुकी है। अब देखना ये है कि इनमें से आपको जो है कौन सी ब्रांड सबसे पहले जो जो प्रोसेसर है वो प्रोवाइड करवाती है। वैसे आपको क्या लगता है ये चीज़ दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। साथ ही में इसके अंदर आपको जो है 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 65W के फास्ट चार्जिंग के साथ में। और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको पहली बार रियलमी की तरफ से 108 MP का कैमरा देखने को मिलने वाला है जो कि यहाँ पर मेन सेंसर होने वाला है। साथ ही में 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और 13 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। ये बात दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है कि यहाँ पर आपको 2 MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस देखने को नहीं मिलने वाले, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड जो लेंस है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही में अगर हम बात करें ना इसके रैम वेरिएंट्स की तो 6GB, 8GB और 12GB ये रैम सबको देखने को मिलेंगे। और ये जो है LPDDR5 रैम होने वाले हैं। इसके अगर हम स्टोरेज वेरिएंट्स की बात करें तो 128GB और 256GB का जो है स्टोरेज आपको देखने को मिलने वाला है। रियलमी UI 2.0 जो कि उनका नया और UI निकल कर आया जो Android 11 पर बेस है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो वो तो अभी तक निकल कर नहीं आई है, बट कहा जा रहा है कि Q1 2020 यानी कि मार्च से पहले जो स्मार्टफोन है आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है। वैसे आपको इस स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है, आपके क्या ओपिनियन है, तो आप जो इस स्मार्टफोन की क्या प्राइस एक्सेप्ट करते हो ये चीज़ दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताएं। रियल डेट अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपसे अगली वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।